नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। जो आप ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये है द्वारका सेक्टर 14 पॉकेट 5 की अलॉटमेंट। हाल फिलहाल में जो डीडीए फ्लैट्स बने हैं, वहाँ से मेट्रो स्टेशन की दूरी है 1.5 किलोमीटर द्वारका सेक्टर 14 का, और ठीक वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हम आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं। तो आज ये 4 BHK फ्लैट है जो आपको लिफ्ट कार पार्किंग के साथ में मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मिलता है, और बहुत ही बड़ी बालकनीज और सारा सामान लगभग इसमें आपको मिलेगा। आइए आपको ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप एक 4 BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट ढूंढ रहे थे। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। दोस्तों ये है आपके लिफ्ट जिसको लेकर आप आते हैं अपने फ्लोर पे। इस फ्लोर पे आपको टोटल मिलते हैं 5 फ्लैट्स, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से आते हैं आप हमारे 4 BHK फ्लैट में। आ जाइए, स्वागत है आपका इस 4 BHK प्रॉपर्टी में। ये इस प्रॉपर्टी का लिविंग हॉल है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी स्पेशियस लिविंग हॉल है। इसे आप पेंट हाउस डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर का फ्लोर है। यहाँ से बालकनी पे बहुत अच्छा व्यू आता है। इसके ऊपर छत पे जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी का लेआउट कुछ ऐसा है, 2 बेडरूम्स मेरे राइट में और 2 बेडरूम्स मेरे लेफ्ट में, बीच में लिविंग हॉल विद योर अटैच वॉशरूम, ऐसा कुछ इसका लेआउट आपको मिलता है। अगर हम इसका साइज़ देखते हैं तो यहाँ से जो आप ये लंबाई और चौड़ाई देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ऐसे मिलेगा आपको, ये कंप्लीट 10 फीट के आसपास। और अगर ऐसे देखते हैं आप तो ये आपको मिलेगा लगभग 20 फीट के आसपास। तो ये है इसकी लंबाई चौड़ाई। इसके बाद में यहाँ से आप सबसे पहले हमारे कॉमन वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वेस्टर्न सीट और एक बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। करीब 8 फीट बाय 5 फीट का स्पेस मिलता है आपको इस वॉशरूम के अंदर। उसके बाद इस लिविंग हॉल की ग्रेस देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपना बैठने का अरेंजमेंट है पूरा। सामने की ओर एक बड़ा टीवी पैनल और टीवी लगाने का अरेंजमेंट है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस महसूस करेंगे आप। इस फ्रेम के अंदर आप ये जो पूरा विंडो देख रहे हैं, यहाँ से आपको सामने बहुत बढ़िया व्यू, हवा, पानी, नेचुरल लाइट सब कुछ मिलता है इस प्रॉपर्टी में। इधर की तरफ आते हैं तो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1 विच हैज़ अ बेड एंड मैट्रेस। तो गद्दा और बेड सब कुछ है। सामने की ओर वार्डरोब्स हैं, ऊपर की ओर एक एसी लगा हुआ है, वर्किंग कंडीशन में है। रूम का साइज देखते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक 6+4 10 फीट ऐसे मिलेगा आपको। चौड़ाई देखते हैं इसकी, तो ये भी आपको लगभग 10 फीट के आसपास मिलती है, अच्छा साइज है। इस डोर को यूज़ करके आप हमारे कॉमन वॉशरूम को अटैच वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पहला अटैच वॉशरूम ऐसे मिलता है। ये है हमारा सेकंड बेडरूम। इसके अंदर भी आपको एक अटैच वॉशरूम की व्यवस्था मिलती है। बेडरूम हमारा यहाँ पे है और इसके अंदर आप देखते हैं तो वार्डरोब्स काफ़ी बड़े बड़े मिल जाएंगे आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। साइज़ वही सिमिलर 10x10 का। सामने की ओर एक और विंडो एसी आपको मिलता है वोल्टास का। लाइट फैंस सारे कमरों में मिलेंगे। अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है, देख लीजिए एक बार। 6x6 का साइज़ मिलता है आपको, और इसके अंदर जो हमारे वार्डरोब्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। धूप आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आ रही है मेरे चेहरे पे। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4, बट उसके बीच में है हमारी किचन। इस किचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे हाथ लगा के सामने की ओर देखता हूँ तो करीब 2 फीट का स्पेस मुझे इधर और मिलता है, 8 फीट ऐसे मिलेगा। और गहराई अगर आप देखते हैं तो लगभग 13 फीट का गहराई आपको इस किचन के अंदर मिलता है। बड़े से बड़ा फ्रिज आप इसके अंदर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं तो यहाँ पे सारा का सारा मॉड्यूलर फंक्शनल पूरा का पूरा चिमनी स्पेस मिलता है। और यहाँ पे भी आप देखते हैं तो ये सारी दराजें आपकी SS की बास्केट के साथ में मिलती हैं। ओवरहेड स्टोरेज भी बहुत अच्छा है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हो। दिस इज योर बेडरूम नंबर 3। इसमें भी आपको बेड लगा हुआ मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे, और एक अटैच वॉशरूम आपको इधर भी मिलता है। एक बार आएंगे प्लीज़ आपको अटैच वॉशरूम दिखाते हैं। गीज़र भी और सारा का सारा आपको शावर का अरेंजमेंट भी मिलेगा।
दोस्तों इस प्रॉपर्टी की जो खासियत है वो यही है कि एक तो इसके अंदर आपको स्पेस बहुत ज़बरदस्त मिलता है, स्पेस के अलावा आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारा सामान लगा हुआ मिल रहा है, कुछ भी आपको कैरी नहीं करना है। यहाँ पे आप जितना भी AC एंड ऑल भी देखते हैं सब फंक्शनल कंडीशन में है। ये भी आपकी बड़ी बड़ी वार्डरोब्स हैं जिसके अंदर आप काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत गहरी भी हैं, ये करीब 2 फीट की गहराई है इन सभी वार्डरोब्स की। इसके अलावा ये भी एक अटैच वॉशरूम है आपका, आ जाइए देख लीजिए। इसके अंदर भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, लगभग 6 फीट बाय 5 फीट का। अब आते हैं हमारी बालकनी पे। सो दोस्तों यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ से ज़रा लंबाई नापने शुरू कीजिए इस बालकनी की। ये पहला गेट था, ये हमारा लिविंग हॉल से अटैच गेट है, और उसके बाद वो हमारा एक और बेडरूम था उससे अटैच गेट। ये तीनों ही जो डोर्स हैं वो सिमिलर बालकनी पे ओपन होते हैं। इस बालकनी की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये कम से कम नहीं तो 30 फीट के आसपास होगी अप्रॉक्सीमेटली। चौड़ाई देखते हैं, कंप्लीट 6 फीट की चौड़ाई मिल जाती है आपको। तो अगर आप एक बहुत लंबी चौड़ी बालकनी वाला स्पेस देख रहे थे जो कि रेंटल पे अवेलेबल हो तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद यही नहीं, आप यहाँ से अगर आप इसकी छत को जाके यूज़ करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। नीचे लिफ्ट मिल जाएगी, कार पार्किंग मिल जाएगी, और बालकनी से कुछ ऐसा सेक्टर 14 के DDA फ्लैट्स का व्यू मिल जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, BRS शो को कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना चाहते हैं, ये रहा प्रॉपर्टी कोड, इसके साथ में कॉल कीजिए नीचे लिखे हुए नंबर्स पे और इसे बुक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।